नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोये सवसागुरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे ओम नमः सर्वभावांतरक्षिदे सर्वभावांतरों का हैं क्या अर्थ हुआ भैया हैं सर्व भावांतरों का एक विद्वान ने पढ़ लिख करके आए हुए अपने पुत्र से प्रश्न किया, बेटा तुम बहुत पढ़ाई करके आए हो, बड़ा कष्ट होता है, आज भी हम स्वाध्याय के प्रसंगों को पढ़ाई कहते हैं, हमें पढ़ाई करने भैया इतना हल्का नहीं स्वाध्याय है स्वाध्याय में से स्व को निकाल लें तो बस संसार का अध्याय शुरू हो गया, ये समझ। मतलब ये है स्व लक्ष्य के बिना यदि हम जिन शास्त्रों को भी पढ़े सुने तो वह स्वाध्याय नहीं, समझ में आया। स्व लक्ष्य के बिना आत्महित के लक्ष्य के बिना यदि हम जिन शास्त्रों का भी पठन पाठन करें तो वह स्वाध्याय नहीं है। अनादिकाल के भूले हुए निःशुद्धात्मा को पहचानने के लिए निःशुद्धात्मा को पहचान कर स्वानुभव पूर्वक सुखी होने के लिए गीर्वाणी का अभ्यास है। बाजार घूमने गए और बाजार किसी मुख्य वस्तु को अथवा किसी औषधि को लेने गए, कितना अंतर है। बाजार चलो बाजार घूमना गवा दिया और भैया वो अमुक दवाई चाहिए, सीधा चले तो जाओ जा रहे। अब कितना अंतर है आपके जाने में, बाजार घूमने वाले का कोई लक्ष्य नहीं है अपने घूमवा के जैसी बढ़िया बात है, बढ़िया इधर ऐसी है, बढ़िया बढ़िया बहुत सुना। और दवाई लेने वाला कहाँ मिलेगी, अच्छा फिर सारा का सारा छोड़ करके वहां पहुंचा, भैया अमुक औषधि है या नहीं, यहाँ तो नहीं है तो कहाँ है, अमुक वहां कोने में गली में, अच्छा तुरंत तो वहां पहुंचा दवाई ली और जल्दी से आया, क्यों भाई बाजार देखा के नहीं, बाजार देखा के नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, और बाजार सब देखा ही जब बाजार की ओर देखा ही, खिलौनों की दुकान थी, गजब की दुकान अभी चल रही थी, भैया सवेरे भी कहा था बाजार की कोई चीज खाने लायक नहीं, सच्ची बात है। जरा से स्वाद के वशीभूत होकर सपरस रचना ग्रहणन को या कान विषय सेवन को बहु कर्म किए मन माने कछ न्याय अन्याय न ध्यानी, अब ऐसा मत करना, नहीं कर्म करे मनमानी हृदय राखो जिनवाणी, हृदय में जिनवाणी को विराजमान रखना, जिनवाणी रूपी दीपक ज्ञान को दीपक की उपमानी, दीपक मार्गदर्शक है प्रकाशक है, लेकिन दीपक को आगे रख करके चलोगे कि पीछे रख करके चलोगे,
एक टॉर्च से आपको चलना है, वो दीपक तो चलो ठीक है, तो ऐसे चलोगे कि ऐसे ऐसे चलोगे, बताओ कैसे चलोगे, पीछे से देखें, आगे चल करके तो चलेंगे। एक बात कही थी हमने, गमन पैरों से करते हैं कि आंखों से, एक चर्चा करी थी, गमन आंखों से करते हैं कि पैरों से, पहले आंख जाएगी और फिर पैर चलेंगे तो गमन निरापद होगा, और बिना देखे अंधे की तरह चल देंगे या देखेंगे किधर और चलेंगे किधर तो भटकेंगे, गिरेंगे, ठोकर खाएंगे। चलने से पहले देखना, हमारी मुंडाजों की तो ईर्या समिति है, ईर्या समिति, समझ में आया? ऐसे ही जिनवा खाने के लिए बैठो, जिनवाणी को आगे करो, जिनवा ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जो जिनवाणी में अवक्त कही है। हम कहते हैं हमारे आचार्यों ने संसार की असारता बताने के लिए केले के थंब का दृष्टांत दिया, जैसे केले के थंब में सार नहीं है ऐसे संसार में सार नहीं है। हमने विचार किया प्याज का और बंद गोभी का दृष्टांत क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? हमारे घरों में है नहीं, आता नहीं कभी, बच्चे कैसे सामने आएंगे? विचार करो, हमारे आचार्यों ने काय का दृष्टांत दिया, घी के घड़े का, अचार के घड़े का दृष्टांत क्यों नहीं दिया? अचार के घड़े हमारे यहां होते नहीं, हमारे गांव की कहावतें हैं, जाने खाओ अचार ताकि का विचार, जाने खाओ अचार ताकि का विचार, का अचार पर है भाई, ये कह देते ना जो धन का सदुपयोग न कर, ये पैसा को अचार डाल रहा हूं का, मतलब भोग भी नहीं सकते, दान भी नहीं दे सकते, छोड़ भी नहीं सकते, का करोगे संग संग तो जाएगा नहीं, क्यों इनके लक्ष्य से दुर्गति करके दुर्भाव करके दुर्गति में जाने की तैयारी करते हो? बहुवारम पर गृतम नार कर, कितनी बार कहा होगा ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, ये बातें भूलने की नहीं है। जैसे भूख से अधिक भोजन करना रोग का कारण है, कष्ट का कारण है, ऐसे जरूरत से ज्यादा कमाना नहीं भाई, ठीक नहीं है। अपना समय बचाओ, आराधना में लगाओ, प्रभावना में लगाओ, धर्मार्थनों की सेवा में लगाओ, धंधे में अंधे मत हो जाना, धंधा करना मजबूरी है, इतना पुण्य लेकर के नहीं आए, व्यापार करना है, अंधे मत हो जाना है, धन 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 है, पैसा पैसा है, सब कुछ नहीं है। घी के घड़े का दृष्टांत दिया और बेजनी में काय का दृष्टांत दिया, शहद लपेटी तलवार, शहद लपेटी तलवार, ये व्यापार रखे भैया, चाशनी नहीं कह सकते शहद कही, कह सुनो असाता बेजनी के लिए वो तलवार के कटने की बात है और साता बेजनी के लिए शहद का दृष्टांत है, मैंने वो अबक क्या, पुण्य के उदय के भोग, पुण्य के उदय की संपदा, वह कोई भोगने लायक नहीं, अवक्य है, अभोग्य है। पुण्य के उदय की सामग्री या थोड़ा सा विवेक है तो पुण्य में लगाओ, अपनी संपदा अपने में लगाओ, अपना ज्ञान अपने लिए और पुण्य के उदय की सामग्री पुण्य के लिए, माने प्रभावना और परोपकार। सच पूछो बड़ी शांति मिलेगी, बिना गोलियों के नींद आने लगे, अपने आप भूख लगने लगे। लोगों को बड़ी आश्चर्य है, चिंता होती नींद नहीं आती, नींद नहीं, अरे जरूरत क्या है नींद, हमारे भगवान को नींद कभी नहीं आती, सोना कोई अच्छी बात है? हम उन मुंडाजों के भक्त हैं, कैसे है बोलो, अर्ध निशा का सन्नाटा,
अरे नींद नहीं आती, गिनवानी लेकर के स्वाध्याय क्यों नहीं करते, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते। सच कहते हैं दोनों हाथ लड्डू हैं। अगर नींद नहीं आ रही तो समय का इससे बढ़िया सदुपयोग क्या है, क्यों भाई? और अगर नींद आ गई तो सो जा। मां की गोद में नींद नहीं आए तो कौन को आए, कहां आएगा? इसका मतलब ये मत समझना यहां सोने लगो, ये मां सुलाने वाली नहीं है। कैसी मां है? अब ये तो ये बच्चे बताएंगे भाई, बड़ी भली जिनवाणी मां, तत्वामृत पान कराती है, सदा सुलाती दुनिया की मां, ये मां हमें जगाती है थोड़ी, वैसे नहीं उठा ऐसे नहीं, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, कहां भूला है अपने को, विचार तो कर। ये स्वाध्याय विचार करो, काहे के लिए बाजार घूमने की तरह नहीं है। ध्यान रखना शास्त्रों का पढ़ना ये स्वाध्याय नहीं, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना ये स्वाध्याय का स्वरूप समझ लेना। काम दोनों होंगे, जब औषधि लेने के लिए गए तो भी बाजार जाकर के आए, और घूमने के लिए गए तो भी बाजार लेकर के आए, वहां अकेले घूम घाम करके चले आए। अच्छा अच्छा फिर हरी साहब हम गए थे गवर्नमेंट का बड़ा बहुत बड़ा बाजार है, और गांव में गए स्वप्न रोग गांड में तुम कहा जाओ देखो नहीं हुए तुमने, एक एक दुकान में सौ सौ लाए थे। अरे भैया देशद्रोह है, ले जम लेकर के अरे पानी फैलाना देशद्रोह है। मितव्ययी बनो, मित आहारी बनो, मित परचयी बनो। हमारे आचरण के विषय हैं, बाह्य आचरण के विषय हैं, और तो भी बहुत स्थूल हैं। ये न कोई देशव्रत है न महाव्रत है, ये तो पाक्षिक श्रावक की सामान्य चर्या है, सामान्य विवेक कॉमन सेंस की बातें स्कूलों के इसमें कहते हैं। आयुर्वेद में एक चर्चा है, पानी को खाओ रोटी को पियो और स्वस्थ रहो। ये भैया जी क्या कह रहे हैं, रोटी को पियो और पानी को खाओ, ये क्या मतलब था? मतलब ये है, हमारे बहुत से भाई, अभी कुछ दिन एक भाई ब्रह्मचारी भाई था मैंने अभी यहां नहीं है इसलिए कह रहे सो बोला, वो शाम को थोड़ा थोड़ी बाथरूम की समस्या हो गई, मेरे बेटा क्या होगा कब आ जाए। फिर हमने अपनी बताई, हमने देखो ज्यादा पानी पी, बोले हाँ शाम को पानी ज्यादा पी लिया, रात को पीना नहीं है तो प्यास न लगे। अरे ज्यादा पानी पीने से प्यास नहीं हुई थी, सुनो कान लगा करके बेटे, अगर तुमको रात में पानी नहीं पीना है, नियम है, तो तुम ऐसा भोजन मत करो जिससे प्यास बढ़ती, गरिष्ठ आहार मत करो, गरम गरम आहार मत करो, खटपटा चटपटा आहार मत करो, एक बात तो ये रखो। दूसरी बात, थोड़े पहले से वो आहार कर लो, उसके बाद आप एक बार पानी पियो। तो पानी को खाओ ये क्यों कहा, कि घूट घूट थोड़ा थोड़ा पानी पिए तो पानी का भी वो लार के साथ जाएगा, तब उसका पाचन होगा, और नहीं तो पूछ लेना किसी वैद्य से, वैदिक शास्त्रों में देख लेना, अभी एकदम जल्दी जल्दी पानी पीने से भी ये पाचन संस्थान कमजोर पड़ता है, किडनी पर ज्यादा वजन पड़ता है, एकदम जल्दी जल्दी घटाघट दो दो लोटा पानी पी गया, ये ठीक नहीं है, क्या प्यास नहीं लगे। अरे यही गलती हमारी उपवास के संबंध में होती है, उपवास के धारणा में और उपवास की पालना में बहुत गड़बड़ करते हैं। अब कल का उपवास है तो आज जा जरा गरिष्ठ खा लो, भूख नहीं लगे, अरे खराब हो जाएगा तुम्हारा पेट, प्यास सताएगी, आपको पता नहीं है कल उपवास कर रहे हैं, आज बहुत अल्पाहारी, कल का उपवास है आज बिल्कुल अल्पाहार करो पेट, तब आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे, और वही आपका संयम है, इंद्रिय संयम। और नहीं तो टोटल मल जी ने कहा जल के देख को जैसे रोक लिया था, और फिर जो डांट निकली
और ऐसे भर पड़ा, ऐसे तुम्हारी बड़ा दुख होता है हमारे समाज के आयोजनों में। कई बार दस रक्षण पर्व के बाद वो विमान निकलने की और रथ निकलने की परिपाटी है ना, दस दिन तो कैसे संयम से रहे और वहां जाकर के भगवान के कलशाभिषेक वहां हो रहे और चाट के ठेलों पर छूट पड़े। कलंक की बातें हैं, कलंक की बातें। अरे बच्चों को बाद में समझा, पहले स्वयं तो समझ जा। बड़ी दया आती है। किसे सुना है, क्या सुना है, डॉक्टर साहब को करना तो ऑपरेशन है लेकिन ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि भाई दो दिन तीन दिन हम दवा देंगे उसके बाद ऑपरेशन कर पाएंगे। ऐसे ही हम शुद्धात्मा तब सुना पाएंगे। दुख तो शुद्धात्मा की अनुभवन से ही दूर होगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना, शुद्धात्मा अनुभवन के बिना दुख दूर होने का कोई उपाय नहीं है, कहीं नहीं है, कभी नहीं। परंतु शुद्धात्मा का अनुभवन स्वपर विवेक, उससे पहले बहुत से विवेक आते हैं। कोई दृष्टांत याद है आपको? आपको याद होगा दृष्टांत। कोई राष्ट्रपति को बुलाना है तो राष्ट्रपति के आने से पहले कितनी टीमें आई उस स्थान की देखने के लिए, सर्वे करने के लिए, सुरक्षा के लिए, है? कितने लोग राष्ट्रपति सीधे आकर कैसे बैठ जाए? क्यों भाई बोलो, ये लापरवाही ऐसे नहीं चलेंगी राष्ट्रपति के संबंध में। उससे पहले कितने विवेक, ऐसे स्वपर विवेक से पहले देव कुदेव का विवेक, गुरु कुगुरु का विवेक, धर्म कुधर्म का विवेक और भक्त अभक्त का विवेक, न्याय अन्याय का विवेक, विचार कुविचार का विवेक, बोल कुबोल का विवेक, कितने विवेक, संग कुसंग का विवेक, कितने विवेक हो तब ये पात्रता आती है। पात्रता आती बीज का वृक्ष बनने के बीच में कितनी प्रक्रियाएं आती है, बीज का वृक्ष बनने के बीच में कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सोने का हार पहन करके खुश होते हैं, वो हार बनने में, खान से निकले हुए सोने के हार बनने के बीच में कितनी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना क्या हार पहन पाओगे? जिसे ये स्थूल विवेक नहीं है तो स्वपर विवेक कहां से आ पाएगा, विचार तो करो। और ये सारे विवेक हमने शास्त्र पढ़ करके, सुन करके, संगति से, कुल परंपरा से अगर हमने अपने जीवन में प्रकट भी कर लिए, पानी व्यर्थ मत फैलाओ, फालतू आरंभ मत करो, फालतू बिजली मत जलाओ, फालतू पंखे पर मत छोड़ो, फालतू बोलो मत, फालतू को जोड़ो मत, फालतू छोड़ो मत, प्रयोजन पर दृष्टि रख करके सारे कार्य करो। नीति में कहा बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। तो बिना प्रयोजन को समझे हुए अगर प्रवृत्ति कर रहा है जैसे के तैसे तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं है, दुर्बुद्धि ही समझना। इन वाणी को आगे रखना, हमारी कोई बात है ऐसा पदार्थ तो नहीं आ गया। चलने से पहले जिनवाणी को, कहां चलना, कैसे चलना, किस लिए चलना, हम अभी कोई याद होगा, चलो कहां चले, काय के लिए, कैसे चले भैया, ऐसे कैसे चल रहे, अभी तो पैसा ही नहीं है कुछ, अब घर जाएंगे, कपड़े बदलेंगे, पैसा लेंगे तब चलेंगे ना, बोलो। प्रयोजन पर दृष्टि होती तभी तो बनती है सारी बातें। आप तैयार हो जाओगे, बोलो चलो, नहीं होगे क्या, हो जाओगे बताओ। तो ऐसी काय क्या पढ़े, किस लिए पढ़े, कहें कैसे पढ़े, स्वाध्याय में सारा रुपये। एक कार्य आत्मा का अनाज काल के भूले हुए शुद्धात्म तत्व को पहचानने के लिए जिनवाणी, अनाज काल के मोह को मिटाने के लिए जिनवाणी। क्यों कि मोह के मिटे बिना दुख मिटता नहीं और शुद्धात्मा को जाने बिना मोह मिटता नहीं। क्या कहा,
मोह के मिटे बिना तो दुख नहीं मिटता, और शुद्धात्मा को जाने बिना मोह नहीं मिटता। देव सास गुरु की भक्ति से कभी मत कहना भैया भक्ति में बहुत समय हो गया, व्यवस्था है वो भी। हम ये नहीं कह रहे कि लापरवाही से अपने खेचे जाओ, आगे कोई कार्यक्रम नहीं करो, ये नहीं कह रहे। हम ध्यान रखना अभिप्राय समझना, लेकिन कभी कहना बहुत समय हो गया। अरे घर से जल्दी चलो, और अब मत सोचना बहुत समय हो गया, आराम से सुनना। अब समय तो समय है काहे के लिए। पुराने लोग कहते भैया दिन भले पर आया हो रात तो अपनी है। क्या मतलब है? रात अपने लिए है, रात में दिन में तमाम उलझने हैं, लेकिन रात में बैठ करके अपना आत्मचिंतन करो, आत्म स्वाध्याय करो, सब सो गए तो अपना जागो। ये तो तुम्हारी गीता में है, या निशा सर्वभूता नाम तस्य जागरते हैं। जहाँ सब सोते हैं वहाँ योगी जागते हैं, और जहाँ योगी सोते हैं वहाँ सब जागते हैं। मोही प्राणी विषय कषायों में जागते हैं, ज्ञानी जन वहाँ सोते हैं। उधर सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं, उनके लिए उठते भी नहीं, उनके लिए बोलते भी नहीं, उनकी अनुमोदना भी। और आत्महित में जगत के जीवों को कोई खबर नहीं। ये तो चिंता है ये जायदाद को क्या होगा, ये लड़के का क्या होगा, ये लड़की का क्या होगा, ये नहीं चिंता हमारा क्या होगा, इन्हीं में उलझे हम। समय चला जा रहा, सोचो कि भैया आत्मा नहीं समझा तो कहाँ जाएगा, कहाँ होगा ये तेरा वैभव, कहाँ होगी ये तेरी पंडिताई, कहाँ होंगी ये तेरे क्रियाएं, क्यों भैया कहाँ होगी ये फल प्रतिष्ठाएं, कहाँ होंगे ये रौब गांठ। किस पे रौब गांठना है, क्या करता है भैया, विचार कर विचार कर। बहुत सावधानी की आवश्यकता, सावधानी हटी बस समझ, जरा सी लापरवाही हुई बस समझ लेना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, प्रमाद हिंसा में मूल है। क्या मतलब हुआ? प्रमाद से आत्मा का घात होता है, आत्मा के ज्ञान का घात, सुख का घात, प्रभुता का घात, और पुण्य का घात होने से समस्त वैभव पद प्रतिष्ठा बहुत भोग संयोगों का घात, स्वास्थ्य का घात प्रमाद। इसलिए दूसरी सूक्ति क्या कही संस्कृत में ही, आलस्य मनुष्याणाम है यार, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारि। इस आसीन का सब शरीर में रहने वाला शत्रु है, इसलिए ग्रहित मिथ्यात की चर्चा प्रमुखता से कर रहे काय में सत्ता स्वरूप में पंडित भागचंद कर रहे। और क्या लिखते हैं? आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। आलस्य छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो, देव सास गुरु के स्वरूप को पहचानो। वहां मुख्य रूप से देव कहा तो सास और गुरु अंतर्गर्भ समझना, और उनके लिए तान मान धन तथा शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव का समर्पण भाव हो। जैसा समर्पण तुम्हारा शरीर संयोग और भोगों में है, उसे अनंत गुना समर्पण धर्म धर्मात्मा धर्मात्मों के प्रति हो, तब तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात मिटेगा, और उनके द्वारा कहे हुए तत्वों का निर्णय करके भेद ज्ञान करोगे, स्वानुभव होगा, तब अग्रहित मिथ्यात मिटेगा। बस ऐसे अकड़बी से नहीं सम्यक दर्शन हो गया है। सम्यक दर्शन में अकड़ नहीं होती, अकड़ में सम्यक दर्शन नहीं होता। पानी को खाओ और रोटी को पियो, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, ज्यादा ज्यादा खाने की कोशिश नहीं, उसको यहां से इतना चबाओ कि उसका रस परिपाक हो, यहीं से पाचन शुरुआत हो जाए। आंतों का आंतों पर, वो दांतों का काम आंतों पर मत डालो,
पाचन आपकी क्रियाएं बिगड़ने का, मंदाग्नि होने का ये भी एक मंद कारण है, वो मुख्य कारण है जो मंदाग्नि समस्त रोगों का जन्म। शारीरिक रोग की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बता रहे हैं। पाचन संस्थान ठीक है आपका, ठीक है, थोड़ा भोजन का विपर्यय भी चल जाएगा, मन कर खागर ज्यादा भी खागर कम भी खागर देख मन सब चलेगा, और पाचन अगर वो कमजोर है आपका, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य में पाचन का महत्व है, हम कितना खाते हैं ये महत्व की बात नहीं है, कितना पचता है उससे हमारी ताकत बनती है, उससे हमारी रोग आदि मिटते हैं। ऐसे ही हम कितना पढ़ते हैं ये महत्व की बात नहीं है, कितनी देर मंदिर में रहते ये महत्व की बात नहीं है, हमारा कितना विचार चलता है और कितनी हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जो पाचन का महत्व आपको मालूम है, सम्यक दर्शन पाचक, ज्ञान प्रकाशक है और चारित्र ग्राहक है, इन तीनों को एक अग्नि कहा। सम्यक दर्शन के बिना जरा जरा से पुण्य उदय पचते नहीं, ऐसे ऐसे तेरे तेरे चलन लगे, अब कुछ नहीं, अब तो ठीक है, और हम जैसे कोई नहीं। सम्यक दर्शन हो तो छह खंड का वैभव हो तो अभी अभिमान नहीं आता, परमाणु मात्र मेरा नहीं, इंद्रादि नमस्कार करें तो अभी अभिमान नहीं आता, चक्री बंदे मान नहीं, विचार करो, घोर उपसर्गों में क्रोध नहीं आता, यहां जरा मन सा हो यार किसी काम में व्यवस्था में तो अभी क्रोध आया, देखो तो सही। सम्यक दर्शन अनंत कषायों का एक साथ लिखना होता, सम्यक दर्शन के साथ ही अनंतानंद गई है, और केवल अनंतानंद कषाय ही नहीं गई है, शेष कषायों की शक्ति भी क्षीण हुई है, कमजोर पड़ गई ये शक्तियां, काय की कषायों कषाय करने में असमर्थ। अपने समय सारणी में एक कलक है, ज्ञायक भाव के, अब तो याद आ गया होगा, ज्ञायक भाव के अनुभव जनित महारस का स्वाद आने पर फिर पुण्य के उदय के ये भोगों का द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ हो गए, असमर्थ। अब हम पे नहीं विचार करो कैसे खा पाओ, इन भोग भोगों के भोगने के लिए हम असमर्थ हैं। अहोतात तुम्हारे परसाद भोगे भोग सुबे मर्याद, भोगन की अव नाही चा भोगों में भूले तीवरा। बजदन चक्रवर्ती के पुत्र जिनसे कहा जा रहा बेटा राज संभालो, हम दीक्षा लेकर के जा रहे, तो भी कहती हौतात तुम्हारे परसा, खूब खाया पिया पहना उड़ा कुछ नहीं। कितनी बार हम चिड़चिड़ा भी जाए तो क्या कहते, भोगों में सहायक क्यों होते भैया, संयम में सहायक हो, क्षमता में सहायक हो, धर्म में सहायक हो। मोही और ज्ञानियों का विवेकियों का ये अंतर है, मोही भोगों में सहायक और विवेकी और ज्ञानी धर्म में सहायक है, क्षमता में संयम में सहायक। ध्यान रखना क्षमता भाव लुट गया माने लुट गए बर्बाद, दरिद्र हो गए, पैसा वैसा तो आना जाना है, इसमें दम नहीं, क्षमता भाव लुट गया, अगर किंचित अंतर के विकल्प भी आ गए तो समझ लो लुट गए। हमने तो ये बातें कान में सुनी है, बाबा जी कभी कभी कह देते थे कि भैया थोड़ी देर ज्यादा नींद लग गया तो ऐसा लगा जैसे लूट गए हो, घड़ी से देख करके अब सोने का टाइम हो गया, ये कभी नहीं है, जब शरीर थक गया नींद मांगने लगा तो लेट गए और फिर उठ के बैठ गए, अब तो ढाई बजे अब रह गए, अरे काय रहें दो, जब उठ गए तो उठ गए, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो। एक बार हमने कहा भैया बहुत जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भी सोओगे तो ब्रह्म की आराधना क्यों करो,
उस समय बाल बच्चे सब सो रहे होते, घर के सारे काम गए, उस समय तुम बैठ करके चिंतन करो, सब जगह डेक बैग सब बंद, बताओ 4 बजे क्या हो। ऐसा सुंदर समय, उस समय एक बार महिला बोली, भैया इतनी जल्दी उठ के कहा करे, बिजली रहते नहीं, और बोले कि तो कहा करे, माने घर के काम ही काम लगते, ये काम काम ही लगते, कहा करे, भगवान का नाम ले लौकिक व्यवहार में कह दो, तत्वों का विचार करो, शुद्धात्मा की भावना भाव, कहा करें ये सोच रहे। ए भैया अब ये छोड़ो दुकान धंधो का, फिर कहा करेंगे, दिन कैसे कटे हो, हे भगवान तुमको दिन काटने की पड़ी, दिन तो कट ही रहा है, जो ही दिन कटे सोई आय में अवश्य घटे, जी और समझ लेना, बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि का जैसे। कहा करें तुमको लगता नहीं, जिन धर्मार्थनों की सेवा करो, इन धर्मार्थनों को तुमने केवल विवेक शून्य वैसे ही लापरवाह कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया, और तुम अपनी दुकानों में अभी भी लगे हो, अरे वहां से निवृत्त होकर के धर्मार्थन आप लोग संभालिए, पूजा पुजारियों के भरोसे, स्वाध्याय पंडित जी के भरोसे, पाठशाला मास्टर साहब के भरोसे, तुम्हारे भरोसे कछु है, कोई कोई बात हो कोई काम हो तो हमको बता दे। अरे भैया ये सब आत्मा की अरुचि का चिन्ह है, आत्मा की अरुचि का चिन्ह है। तो भैया पढ़ाई नहीं स्वाध्याय चाहिए, मतलब समझ गए, केवल शास्त्र नहीं पढ़ना, अब शास्त्र ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे बाकी बात कहां कहेंगे हम, लेकिन शास्त्र पढ़ते हैं तो हम आगे कहते, भैया शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, उनको निजादर्थ बनाओ, प्रथमानियों पढ़ो, बताई थी परसों, कल का पढ़ो, कल की तो बात विचार तो करो, कैसे करें कैसे करें, पढ़ो भाई ये सब लिखा है, चलना नहीं तुम्हारा, और ऐसे बैठ करके क्या करें, ये द्रव्या ने लिखा है, और तो अभी कहीं मन नहीं लगे, और कोई भी आकर के उपचार कर दे, कहीं रोग हो जाए तो क्या करें, क्या अपने कर्मोदय का विचार करो, नए कर्म न बने पुराने कर्म भोगो, भैया करना नियोग लिखा है, विचार करो भाई, क्या चर्चा चल रही है समय सारी में, आत्मा पर का कर्ता नहीं है, परद्रव्य आत्मा के कार्य का कर्ता नहीं है, कर्ता कार्य का ही होता है, पर का कर्ता का मतलब पर के कार्य का कर्ता, उसकी कितनी एक लाइन हम आपसे कह चुके थे, कल बोलो सवेरे कही थी, पर के कार्य करने का बोझा अपने माथे मत रखो, और अपना कार्य पर के ऊपर भरोसे मत छोड़ो। देखो भाई मां भोजन बना दे थाली में परोस दे, कदाचित तुम्हारे हाथ में कोई तकलीफ हो तो मुंह में भी रख दे, लेकिन आगे की प्रक्रिया तुम्हें ही करनी पड़ेगी, चबाना निगलना पचाना तुम्हें ही होगा, ये आगे मां नहीं कर सकती, भाई नहीं कर सकता, पिता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बोलो कोई नहीं, कौन करेगा, पचाना तो तुम्हें ही हुआ है, उसके पाचन की प्रक्रिया भी तुम्हें ही अपने में होगी। ऐसे ही पुण्य के उदय से हमको देव सास गुरु मिल गए, जिनवाणी का उपदेश मिल गया, अब उसे समझना विचारना अनुभवना भाना ध्याना ये आपका ही कार्य है। अब हम इसी गाथा में आगे चर्चा करते हैं, इसका अर्थ क्या, इस प्रकार कहकर के क्या कहा था, पिछली गाथाओं से जुड़ा था, और यह कहकर के क्या कहा था, ये अपनी बात है, किसी और की बात है, हाँ कैसी मोह की दशा है, जो और की बातें हैं वे तो अपनी समझ रहा है, और जो अपनी बातें हैं वे और की समझ रहा है, इसी का नाम मोह है। और भैया स्वास्थ्य कैसा, अरे भैया अपने सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की पूछी, तो शरीर के स्वास्थ्य को अपना स्वास्थ्य समझ रहा है, और परिणामों की कुछ खबर नहीं, और जब परिणामों की चर्चा है, आत्मा की चर्चा, ये और की बात है, आत्मा अनादि अनंत है, और मैं 72 वर्ष का हो गया, बता मैं बूढ़ा हो गया,
अभी तो हम छोटे हैं। अरे शरीर ही तो छोटा है बेटा, अनादि अनंत हो आप सब। आत्मा जन्म मरण नहीं करता, उद्गल का जन्म मरण नहीं होता, उद्गल में जन्म मरण का व्यवहार भी नहीं होता। क्यों भैया? इस चौकी का जन्मदिन, इस माइक का जन्मदिन, बता, उद्गल में कोई जन्म मरण के व्यवहार नहीं होते। आत्मा नहीं जन्मता मरता, उद्गल नहीं जन्मता मरता, तो कौन जन्मता मरता है? कि जो अपने को आत्मा नहीं मानता, उद्गल को अपना मानता है, वह जन्मता मरता है। मोही जन्मता है, मोही मरता है, रागी जन्मता है, रागी मरता है, अज्ञानी जन्मता है, अज्ञानी मरता है। ये तो जैन दर्शन की बात है। हमारे लौकिक कवियों ने भी कैसा लिखा है बोलो, मर मर जाए शरीर आत्मा कभी नहीं मरता। क्या कहा? मर मर जाए शरीर आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा का तो क्या होता है? ट्रांसफर दूसरी गति में, प्रवास, स्वर्गवास, यही तो कहे जाते शब्द, बताओ। तो विचारना आत्मा और कर्म दोनों न्यारे न्यारे हैं, ये अपनी बात है। आज अपने वीर सागर जी गए, बोले बता रहे, बस दो बातें हमने सुनी, अच्छा और सच्चा का अंतर समझना। अच्छा नहीं लगता तो पाप, अच्छा लगता है तो पुण्य, और जब सच्चा लगता है तब धर्म का प्रारंभ होगा। कम से कम भीतर से हकार आना चाहिए, बात तो सच्ची। स्वरूप तो यही है हमारा। तीसरी बात बोलो भैया, हित तो इसी में है। क्यों? क्या कहा? बात तो सच्ची है, स्वरूप तो यही है, और हित तो आराधना करने में ही है। पंडित जी ने तो कैसी लाइन लिखी है, नास्ती और लिख दी, मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोस। आत्मा का हित होने के लिए और कोई ठोस ठिकाना है ही नहीं। घर में बैठे बैठे हित नहीं हो रहा, बाजार में बैठे बैठे हित नहीं हो रहा, यहाँ घूमे आ तो हित नहीं हो रहा, वहां घूमे आ तो हित नहीं हो रहा, ये खा ले तो हित नहीं होने, ये पहन ले तो हित नहीं होना, और ये छोड़ ले तो हित नहीं होना, और सब छोड़ दे तुम अपनी कल्पना से तो हित नहीं होना। जिनवाणी के अभ्यास के बिना, नंबर एक, क्या कहा? जिनवाणी के अभ्यास के बिना, नंबर दो बोलो, तत्वों के ज्ञान के बिना, नंबर तीन, भेद विज्ञान के बिना, सफल विचार के बिना, और आत्मा के अनुभव के बिना, आत्मा के ध्यान के बिना कहीं हित नहीं है, किसी का हित नहीं है, कभी बिल्कुल एकाग्र हो जाना चाहिए। सवेरे पूजा पढ़ रहे थे, अर्घ चढ़ाया था सम्यक ज्ञान का, बोलो अर्घ में क्या लाइन बोलूं? एकाग्र भावना उसी का नाम भाव अर्घ है। अर्घ में क्या करते आप? चल चाव चंदन चाव सब मिला लेते ना, पुष्प ऐसे इकट्ठे कर लेते ना, इकट्ठे ऐसे अपने उपयोग को एकाग्र करो, उसका नाम अर्घ है, वह अनर्घ पद को देने वाला है। हो गए उपयोग एकाग्र जहां, वही निश्चय से अर्घ, जिससे अभिचर अनर्घ पद हो, यह बाह्य अर्घ अब यही। एकाग्र आया था ना सवेरे, तुम तो भैया पढ़ रहे थे, हमारे तो खाली कान में पढ़ रहे थे। सोचो ये तो जिनवाणी ऐसी है, छिपे छिपे भी सुन ले तो कल्याण हो जाए। अभिमान से बैठ नहीं बैठ गया, चलो ठीक है। विद्युत चोर ने यही तो कहा था भैया को, अब तुमने भैया कही तो भैया ही है, वैसे तो हम चोरी करे हुए आए थे, चोर है,
तो भैया आप करने का आप ले जाओ निशान कबरों के मार। अब वो एक लड़का उसका विवाह होकर के आया, वो भी कल दीक्षा लेकर के आया, ये वैभव का होगा भी क्या जा भैया। अरे इतना हृदयहीन मत समझो बहन, एक बार हमको अपने इस लड़के से मिला लो, प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे पास सबरे मंत्र तंत्र वशीकरण सब जानते हैं, मन को वश में नहीं जानती, वशीकरण का अहंकार क्यों करते हो। पंच परमेश्वरी मंत्र ही वशीकरण मंत्र है, इससे पंच इंद्रियां और मन वश में होती हैं, और पंच इंद्रियां मन वश में हैं, उसके सब वश में हैं, ये समझ लेना। स्वबस योगी अध्यात्म की भाषा नियम साधी में स्वबस योगी वितराग सर्वज्ञ भगवंतो जैसा ही है। मुनिराज ने थोड़ा सा कैसा लिखा, अरे उनमें और भगवंतों में कुछ भी अंतर मानती है, ये जड़ बुद्धि हमारी, भगवंतों में और स्वस्थ योगी में जो अपने में संतुष्ट है, अपने में मग्न है, अपने में बस में हो गए, स्वरूप को छोड़ने में असमर्थ है, उनमें और भगवंतों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। क्यों भैया आपने और चित्त भगवान में क्या अंतर है? अंतर दिखे तब तक संयोग दृष्टि पर्याय दृष्टि, कुछ भी अंतर नहीं है। एक बार तो हकार लगाओ इस हकार में सम्यक तो आएगा। और नहीं तो आप शराबे की दुकान कर रहे हो तो आप बता दो भाई कुंडल में और अंगूठी में क्या अंतर है, क्या भाव कुंडल क्या भाव अंगूठी खरीदोगे बता, कि अंगूठी और कुंडल का कोई भाव होता ही नहीं है, भाव तो सोने का है, कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे लिए अंतर है, हमारे लिए क्या अंतर, हम तो सोने के व्यापारी हैं, ऐसे हम तो रत्न के व्यापारी हैं भैया, हमारे लिए क्या अंतर विचार करो। जनक राज जी ने लिखा, आप सोचोगे ये सब नई बातें हैं, अरे नियम साज जी की तो मूल गाथा भबरी है। और जनक राज जी ने कब लिखा बताओ, कब लिखा, जो सिद्ध में आप में फिर न जाने सो का परवाह करे जस्तु, जो सिद्ध में आप में फिर न जाने फिर समझते हो, फिर माने अंतर, तो का परवाह करे जाती, उसको जगत की क्या परवाह, कौन की परवाह करेगा वो, जग के दुख की तो भगवान पढ़ते तो आप भी है, और उसी को मिटाने में लगे हो, स्वर्ग सुख की भी क्या नहीं है बेटो जामन मरण, तो कैसे मिटे, भगवान मिटेंगे, जिस अज्ञान से जन्म मरण कर रहे हो उस अज्ञान को मिटेंगे, रागादिक भाव मिटेंगे तो ये जन्म मरण मिटेगा। ध्यान रखना मिथ्यात्म मिटता है तो कुमरण मिटता है, और राग मिटता है तो मरण मिटता है, समझ में आया, क्या कहा, मिथ्यात्म मिटता है तो कुमरण मिटता है, फिर कुमरण नहीं होना, खोटी गति में नहीं जाओ, फिर तो पंडित मरण समाधि मरण सम्यक पूर्वक ही तो होंगे सब महाराज, अब सम्यक समाधि मरण करने हमें आप बता का तैयारी, अरे देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करो ये तैयारी है, इन परिग्रह प्रपंचों से विरक्त हो जाओ मुंच है प्रपंच है, विरत ये समाधि मानती अथवा समाधि में जीवन की तैयारी है, शांतता का ये उपाय है, सुख शांति शांति का है हेतु है, ये सुख शांत सम्यक इसका मूल है, सुख शांति का उपाय ऐसा है ना, विचारना क्या कहा, जिसने अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ है, हम पे नहीं हमारी बस्ती नहीं है, विचार करो तुम्हारे सामने अगर तुम्हारी थाली में भूसा और खली रख दे खाओ क्या कहोगे, कहा हम पशु हैं,
हम क्या पशु हैं? हमसे नहीं खाता ये, हम आदमी हैं, मनुष्य हैं। जब वहां तुमने ये सोचा तो अवश्य सामने आया तो क्यों नहीं कहते क्या हम अजन? अरे आत्मज्ञान से रहित जीवों को अमृतचंद स्वामी ने ही परिसृष्टि में कितनी जगह पशु पशु कहकर के कहा। अरे पशु कहना भी पशु का अपमान है, सही बात तो ये है आज ऐसी दशा है। अनर्गल प्रवृत्ति स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले जीवों को पशु कहना भी पशु का अपमान है। एक कथा आई वैसे संस्कृत की नीति में, जंगल में एक व्यक्ति प्यास लगी, प्यास के कारण बेहोश हो गया। ऊपर बंदर देख रहा था, बड़ा समझदार भी होता है, चंचल तो है। आया उसने देखा जैसे कहीं पानी वानी ले आया बच्चे और उसको मुंह में डाला है क्योंकि, तो बेचारा उठ गया। उसने सोचा चलो भाई ठीक है, ये बड़े काम की बात नहीं। बड़ी कृतज्ञता से बंदर को देखा, बंदर अपने ऊपर चल गया। उसने कहा आराम कर ले। उधर से आया शेर, शेर खाने के लिए है, तो वो भी पेड़ पर चढ़ गया। कौन वो आदमी? वही पेड़ पर चढ़ गया। अब शेर नीचे से देख है और बंदर से कहा एक इसको धक्का दे दे। बोले देखो आज ही हमारी शरण में आया है, हम धक्का नहीं दे सकते, हमारी शरण में आया। बोले तू जानता नहीं इसने, ये आदमी है ये किसी को नहीं छोड़ रहा, अपने स्वार्थ से और अभिमान से कितने बंदर प्रयोगशाला में इसने मिटवा दिए, अपने जरा से शौक के लिए कितने हिरणों की गायों की और कितने पशुओं की खरगोशों की कछुओं की खाल उतरवा दी, जरा से स्वाद के लिए मांस खाया, जरा स्वाद के लिए चाहे किसी को मेट दे। जानता है कितना स्वार्थी है, धक्का दे दे। बोले ठीक है वो जैसा है वैसा है, आज हमारी शरण में हम इसको नहीं रखते। ठीक है भाई। आदमी जग रहा था, बंदर उल्टी डाल आदमी से कहा, बंदर ऐसे आंख बंद करके देखा, सोने का नाटक, वैसे सावधान था। आदमी से कहा हे मुझे तो देख भूख लगी है, तू बंदर को धक्का दे, बंदर को खा करके मैं भूख मिटा दूंगा तो ये छोड़ दूंगा। बंदर आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक, डर से उसने लगाया, बंदर तो सावधान था, डर डाली पकड़ ली। बंदर ने जैसे डाली पकड़ ली, सिंह हंसा बोला हे बानर देखा तूने? बोले ठीक है वो मनुष्य अपनी मनुष्यता छोड़ जाए तो हम अपनी पशुता कौन छोड़ेंगे। सचमुच सचमुच क्या कहें भाई, अपने को मनुष्य समझने वाला, अपने को ज्यादा समझदार समझने वाला, अपने को ज्ञानी धर्मात्मा समझने वाला, अपने को जाने मुखिया समझने वाला कभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं हो सकता। और पशु भी जो अपने को आत्मा समझे तो धर्मात्मा हो जाता। सचमुच सच्ची बात है, आत्मा पशु नहीं होता, आत्मा नारकी नहीं होता, आत्मा त्रियंज नहीं होता, क्या नाम देव नहीं होता, आत्मा मनुष्य नहीं होता, आत्मा सदाकाल आत्मा ही रहता है, ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है, ये परमार्थ। और आत्मा अपने को भूलकर मायाचारी के परिणाम से त्रियंज होता है, पशु होता है, भवारंभ परिग्रह से नारकी होता है, अल्पारम परिग्रह प्रस्थिर संयम दया के परिणाम से मंद कषाय के परिणाम से मध्यम कषाय के परिणाम से मनुष्य होता है, और विशेष भक्ति और पुण्य के परिणामों से देव होता है। आत्मा ही अकेला अपने को भूलकर चार गति में भ्रमता है,
आत्मा अकेला ही कर्म को बांधता है, आत्मा अकेला ही कर्म फल को भोगता है, और आत्मा अकेला ही अपने को समझकर मोक्ष मार्गी होता है और मुक्त होता है। विचारना इस गाथा की एक आगे की लाइन और पढ़ दे, बिना पढ़े हुए पढ़ रहे हैं भाई। यदि भगवान बिना बोले बोले हम क्या करें भाई, सच्ची बात है। ये किसी कर्म ने अज्ञानी नहीं बनाया है, किसी कर्म ने तुम्हें दुखी नहीं किया है, संसारी नहीं बनाया है। आज तुम्हारी अवस्था है वह केवल तुम्हारे ही परिणाम का फल है। ये बात अलग है कि परिणाम का निमित्त पाकर के उसी प्रकार से कर्म का बंधन होता है, उसका उदय आने पर वो बाहर की अनुकूल ये अवस्थाएं नाना प्रकार की बनती है। लेकिन फिर भी कर्म ने तुम्हें अज्ञानी नहीं बनाया, इसलिए ज्ञानी बनने के लिए कर्म की कृपा नहीं स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। क्या कहा? ज्ञानी होने के लिए सुखी होने के लिए धर्मात्मा, धर्मात्मा होने के लिए ज्ञानी, और ज्ञानी होने के लिए कर्म की कृपा नहीं स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। वह पुरुषार्थ यही है कि जिन वचनों के द्वारा तत्वों का निर्णय करके भूले हुए शुद्धात्मा को पाए। विचारना बाहर का भी विवेक और अंतर का भी विवेक, ज्ञाता दोनों दान समारे ऊपर का भी और दोनों समारे कूप जलसम दरब घर में पर लया। इसी प्रकार यहां समझना चाहिए, बाहर के त्याग से अवसर मिलता है, अंतर के त्याग से शांति मिलती है। शांतता केवल बाहर के त्याग से नहीं मिलेगी, अंतर के अभ्यास से, अंतर की लगन से, अंतर के पुरुषार्थ से मार्ग मिलेगा, सुख शांतता मिलेगी। यही भगवंतों का मार्ग है, और ये मार्ग कोई पढ़ा सुना मार्ग नहीं है, यथानुभूत मार्ग है। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं, कोई सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ करके अपना आदरण की और आचरण की जरूरत है। विचार ओम नमः।